सो ये है ऑक्सीजन ओएस 12 का एक नया पोर्ट रोम पोको एक्स 3 प्रो के लिए, और कलर ओएस का भी वैसे अपडेट आ चुका है जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। तो अगर आपने उसको नहीं चेकआउट किया तो इस वीडियो के बाद में ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो, वीडियो आपको चैनल और आई बटन दोनों के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे इस रोम के अंदर अबाउट फोन पे से, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई, सब्सक्राइब ज़रूर से करना अगर आप वीडियो देख रहे हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर चलते हैं, और कल वाले वीडियो के अंदर मेरे को कमेंट आ रहा था कि भाई यहाँ पे जो ब्राइटनेस है या फिर जो वीडियो है ना उसके अंदर अच्छे से चीज़ें विजिबल नहीं है, तो ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा करो। बट उस रोम के अंदर ब्राइटनेस ही आपको उतनी मिलती है, एंड सेम यहाँ पर भी थोड़ा सा मेरे को इशू लगा है, और सेम चीज़ मैंने आपको उस वीडियो के अंदर भी बताई थी। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस फ़ोन की सिर्फ और सिर्फ इतनी देखने को मिलेगी, मे बी आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर आपको थोड़ा इशू आ सकता है। अब सबसे पहले अबाउट फोन पेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिवाइस वन प्लस 10 Pro 5G, सेम प्रोसेसर, 8GB रैम, उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन 12 है, 5 जुलाई 2022 से एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट है, और जो कर्नल यहाँ पर यूज़ किया वो कंगारू एक्स R21 है, जो कि सेम वहाँ पर भी यूज़ किया गया था। अब मैं फीचर्स आपको इन डेप्थ में इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊँगा, उसका रीज़न सिंपल बता देता हूँ। कल 10 मिनट का ऑलमोस्ट मैंने वीडियो अपलोड किया था, बट भाई साहब आप लोग ऑडियंस रिटेंशन इतना घटिया देते हो वीडियोज़ के अंदर, भाई काम करने का मन नहीं करता। एटलीस्ट वीडियो को हाफ तो देख सकते हो, आई डोंट नो आप क्लिक क्यों करते हो। और अगर आपको सिर्फ एक डाउनलोड लिंक चाहिए ना, तो मैं डायरेक्टली आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर इंडोनेशियन पोको एक्स 3 प्रो का चैनल, टेलीग्राम चैनल देता हूं, वहां पर सबसे पहले रोम्स के लिंक्स आ जाते हैं, तो आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। मैं रिव्यू करता हूं ना, उससे पहले ही वहां पर आपको जो है रोम्स देखने को मिल जाएंगे, और फटाफट से अपडेट्स आप जो है चेकआउट कर सकते हो, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। बट प्लीज भाई, जो वॉच टाइम है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो उसको रुइन मत किया करो, और ये एक रिक्वेस्ट है मेरी ओर से। कुछ बग्स आपको इस रोम के अंदर भी मिलेंगे, लाइक मैंने आपको कल वाले वीडियो के अंदर भी बताया था, लाइक फेस अनलॉक वर्क नहीं करता, बाकी वो जो सभी बग्स है ना वो यहां पर भी प्रेजेंट है। एंड रिंगटोन का फिक्स आपको जो है रिकवरी से फ्लैश करना होगा, बाकी कलर ओएस हो या फिर ऑक्सीजन ओएस हो, इन दोनों का जो वीडियो है ना फ्लैशिंग का, वो आपको कल मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाएगा। तो दोनों को आप एक ही मेथड से फ्लैश कर सकते हो। अब अगर आप कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर होगे, तो यहां पर आपका जो पर्सनल हॉटस्पॉट है ना वो वर्क नहीं करता, एज यू कैन सी ये भी आपका यहां पर डेड है। बाकी मैं आपको पर्सनलाइजेशन का सेक्शन दिखाता हूं, यहां पर सेम वॉलपेपर्स वही मिलेंगे, स्टैटिक और लाइव, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑक्सीजन ओएस वाला मिलेगा, यहां पर जो लेआउट है वो सेम है, और कैनवस का ऑप्शन ऑक्सीजन ओएस वाला आपको मिलता है। बाकी आप क्विक सेटिंग पैनल को ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो, आइकन्स चेंज कर सकते हो, यहां पे कलर्स ये वाले मिल जाते हैं, फॉन्ट आपको वन प्लस सेंस और रोबोटो मिलेगा, उसके बाद होराइजन लाइट आपको मिल जाती है, इसको आप यूज कर लो, उसके बाद होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर आपको सभी चीजें सेम मिलती हैं। सो यहां पर जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, यहां पे आप जो है डिस्प्ले कर सकते हो अपनी रैम या फिर फ्री टास्क वगैरह जो भी आपको रिसेंट्स के अंदर मिलते हैं ना, तो वो आप यहां से इनेबल कर सकते हो। और यहां पर डिस्प्ले के अंदर भी सबके सब फीचर्स सेम के सेम वही आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको कल बताए थे। रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी आपको सेम यहां पर मिलेगा, हैप्टिक्स एंड टोन्स का भी ऑप्शन सिमिलर आपको कलर ओएस जैसा मिलता है, डॉल्बी एटमोस के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोफाइल्स आपको मिलेंगी, और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर, स्टेटस बार के अंदर आप देखोगे तो यहां पर भी ऑलमोस्ट सब के सब जो चेंजेस है वो आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन ओएस इज नाउ कलर ओएस एंड कलर ओएस इज ऑलवेज कलर ओएस। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो फेस अनलॉक आपका वर्क नहीं करेगा, एंड बैटरी के अंदर आओगे तो यहां पर आपको जो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन मिलेगा, बिकॉज वन प्लस 10 प्रो सपोर्ट करता है, और यहां पर आपको जो है बाकी सारी चीजें और मिल जाती हैं। अब बैटरी कंजप्शन भी जरूर से बताऊंगा, बट उससे पहले शेल्फ का ऑप्शन है जिसको आप यहां से इनेबल कर सकते हो, जस्ट आपको जो लेफ्ट साइड है ना राइट साइड है टॉप में ऊपर यहां से स्वाइप डाउन करना है, तो यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। बाकी जेस्चर वाले सेक्शन वगैरह के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें मिलेंगी, यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले सेम ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, देन पावर मेन्यू के अंदर जो होल्ड फॉर असिस्टेंट है इसको आप ऑफ कर देना, अदरवाइज आप जो है उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट आई थिंक आपका वर्किंग है, और स्क्रोलिंग वाला भी ऑप्शन आपको यहां पर वर्किंग देखने को मिलेगा, तो जेस्चर्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहां पर भी आपको थ्री फिंगर वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि फुल स्क्रीन जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इस रोम की स्मूथनेस की बात करेंगे, तो ये रोम आई गेस यहां पर चाइना से पोर्टेड नहीं मिलती, यानी कि चाइना के अंदर जैसे वन प्लस 10 प्रो के अंदर रोम होती है ना उससे पोर्टेड नहीं मिलती, ये ग्लोबल वेरियंट है यानी कि इंडिया वगैरह के लिए, क्योंकि यहां पर आपको ऑक्सीजन ओएस मिलता है, और आई थिंक चाइना के अंदर जो फोन्स होते हैं ना वन प्लस के, उनके अंदर कलर
OS ही होता है। और यहाँ पे आप जो है इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो इसके डायलर और मैसेंजिंग ऐप से, वो गूगल डायलर आपको मिलता है। और सबसे पहले अभी जो है क्विक सेटिंग पैनल को पुल डाउन करने में आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कितना स्मूथ एक्सपीरियंस है। तो ये आपको स्मूथ मिल जाता है, बट समटाइम्स यहीं पर आपको इशू आ जाता है। समटाइम्स मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा जर्कीनेस फील किया था। और अगर हम ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड देखें तो यहाँ पर आपको जो है स्मूथनेस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब थोड़ा आपको रैम मैनेजमेंट का भी आइडिया यहाँ से लग जाएगा। मैं थोड़े ऐप्स ओपन करने की कोशिश करता हूँ और फिर उनको जो है बारी बारी चेक करेंगे कि कौन सा ऐप आपका यहाँ पर रैम के अंदर रहता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो ऑलमोस्ट ऐप्स है ना सबके सब आपको रैम के अंदर मिल जाते हैं। सो रैम मैनेजमेंट एक्सीलेंट है एंड ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन में आपकी जो स्मूथनेस है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम बात करते हैं ना कुछ और चेंजेस की, लाइक जो कैमरा है वो यहाँ पर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता, तो आप कोई और कैमरा जी कैम वगैरह ट्राई कर सकते हो। एंड जो गूगल कार्ड की ऑप्टिमाइजेशन है ना वो आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लैग फील होता है बीच बीच में, आप देखोगे स्क्रोलिंग करते टाइम, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा इशू लगा है। एज यू कैन सी कुछ ऐसे आपको यहाँ पर जो है स्मूथनेस देखने को मिल जाती है, बीच बीच में आपको थोड़ा सा लैग फील हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को चेकआउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डिवाइस है वो आपको यहाँ पर भी नॉट सर्टिफाइड मिलेगा और इस कंडीशन में आपको फ़ोन रूट करना होगा, देन सेफ्टी नेट को फिक्स करना होगा, जिसके रिगार्डिंग मैंने शॉर्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप इसको कैसे जो है ट्राई कर सकते हो वो आप शॉर्ट के अंदर चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे आप देखोगे तो वाइड बैंड L1 आपको मिलेगा, 3D मार्क के अंदर स्कोर्स आपको ये वाले मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो आपको गीक बेंच 5 के अंदर स्कोर्स मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर मैं आपको इसका जो है यहाँ पे दिखाता हूँ चार्जिंग स्पीड, तो वो आपको 33 वॉट यहाँ पर सपोर्टेड मिल जाएगा और चार्जिंग के टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर 36, 37, 38 के आसपास था, इससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं हुआ और काफ़ी अच्छी आपको बैटरी कंजप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। एज यू कैन सी जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो आप चेकआउट करो एंड यहाँ पर जो एक्टिव ड्रेन है ना हार्डली 5% पर आर के आसपास मेरे को मिला है। फर्स्ट टाइम ऐसी रोम है जिसके अंदर मेरे को इतना ज़्यादा अमेजिंग बैटरी बैकअप मिला है। आइडल ड्रेन देखोगे 0.55% पर आर के आसपास है एंड जो डीप स्लीप है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्किंग है। अब इसमें मैंने बिल्कुल नॉर्मल यूसेज किया है और यहाँ पर कोई भी गेमिंग वगैरह नहीं की। अगर मैं गेमिंग करता हूँ तो मैक्सिमम जो एक्टिव ड्रेन जा रहा था मेरा वो 8% पर आर के आसपास था, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी माई एक्सपीरियंस यहाँ पर जो बैटरी कंजप्शन है वो आपको सबसे बेस्ट देखने को मिलेगा। इवन आप अभी भी देख सकते हो उसके बाद भी मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड जो टेम्परेचर है या फिर जो बैटरी कंजप्शन है वो स्टिल काफ़ी सॉलिड आपको मिल जाता है। और रही बात यहाँ पर सी थ्रॉटलिंग ग्राफ की, तो मैंने इसको 15 मिनट तक रन किया है, मैक्सिमम GIPS आपको मिलेंगे 2,13,000 के आसपास और एवरेज है 1,84,000 के आसपास। और यहाँ पर सी थ्रॉटल होता है 79% तक, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर जो है गेमिंग के फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको थोड़े से फीचर्स चेकआउट करवा देता हूँ जो आपको यहाँ पर जो है इसके गेम स्पेस के अंदर मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्वाइप डाउन करना होगा यहाँ से, इसमें परफॉर्मेंस सेटिंग्स आपको मिलते हैं जिसमें प्रो गेमर मोड है, लो पावर मोड है, बैलेंस्ड मोड मिलेगा, उसके बाद गेम फोकस मोड है, बेसिकली ये आपके नोटिफिकेशंस को हाइड करने के लिए है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, टच ऑप्टिमाइजेशन और सिस्टम स्टेटस आपको शो करेगा, बाकी एडिट का ऑप्शन आपको मिलता है। तो ये इसके गेम स्पेस वाले फीचर्स आपको मिलते हैं। अब बढ़ते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, तो अब यहाँ पर आ ही चुके हो तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर 60 FPS का आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट मिलेगा, तो मैक्सिमम 60 FPS तक ही आप यहाँ पर खेल सकते हो। बट जो 60 FPS है ना वो काफ़ी अच्छा है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको कलर OS वाले पोर्ट से कंपेयर करता हूं तो उससे बेटर ऑप्टिमाइजेशन आपको थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। उसमें थोड़े ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स थे, इसमें थोड़े कम मेरे को देखने को मिले, बट स्टिल फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे। और मैंने 90 FPS भी ट्राई किया बट वो हैंडल ये नहीं कर सकता। तो इट्स नॉट अ गेमिंग रॉम, नॉट फॉर हार्डकोर गेमर्स, आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो और इसमें कोई टच वगैरह के इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे को देखने को मिला गेमिंग के टाइम में वो मैक्सिमम था यहाँ पर 38 के आसपास, तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर भी आपको ज़्यादा राइज देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ 60 FPS और 90 FPS ये हैंडल नहीं कर सकता। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट सभी रोम्स को कवर कर रखा है पोको X3 प्रो के लिए एंड कल आपको इलाइट बीटा रोम का भी वीडियो देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना।